बालागढ़ के विधायक लखविंदर राणा ने लोकसभा के चुनाव को लेकर बैरछा में लोगों के साथ जनसंपर्क शुरू किया। लोगों ने उनका गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने नालागढ़ विधानसभा के तहत गांव बैरछा में लोगों के साथ बैठक की और मौजूदा सांसद वीरेंद्र कश्यप पर जमकर राजनीतिक प्रहार किया। हमारे नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत बैरछा के ग्राम खुनवा में आज हम यहाँ पर आए थे और यहाँ पर जो हमारे गांव के माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी, उनसे जो है हम शिष्टाचार भेंट जो हमने यहाँ पर की, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए हम यहाँ पर लोगों से जो है जनसंपर्क के रूप में जो है मिले हैं और लोगों की जो लोगों ने को हमने बताया, अवगत कराया कि आने वाले समय में, क्योंकि जो ये लोकसभा के चुनाव है उसमें जो हमारे यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी होगा उसको जो है वोट डालनी, और जो पहले लोकसभा का चुनाव का यहाँ पर प्रत्याशी रहा एमपी के लिए वीरेंद्र कश्यप जी, 10 साल लोगों के बीच में नहीं आए, जनता की सुध नहीं हुई, जो उनको एमपी फंड का पैसा 10 साल में 50 करोड़ रुपया मिला वो लोगों में बांटा नहीं है, जो गांव उन्होंने गोद लिए थे उनको भी जो सिरे। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।